नीम का पत्ता कड़वा है, मिस्टर भोला भला है। भा तेरा बाप भी केल। My great grandfather loved हुद्दी। तोड़ दूंगा तुम दोनों की गुद्दी। मारो मुझे मारो। So guys, वापस आ चुका है YouTube का SRK। अब मैं SRK इसलिए बोल रहा हूँ because भाई देखो self-made है और ऊपर से एक ब्रांड बन चुका है बीबी की वाइंस, राइट फ्रॉम ढिंडोरा सीरीज एंड ताजा खबर। अब भाई बंदा तकेशीस कासल को डब कर रहा है, मैंने एक दो एपिसोड देखे हैं, अच्छे हैं, फनी हैं और थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट डेफिनेटली हुआ है। वैसे फमीर फोदी तो हमेशा से मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा ही है और भाई टीटू मामा को कैसे भूल सकते हैं। तो बीबी की वाइंस का न्यू वीडियो आ चुका है जिसका नाम है घर कलेश। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी भाई, मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपने चैनल पे, ब्रेक ले लेता हूँ, कभी कभी गायब हो जाता हूँ। जितने भी ये फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर है ना, भुवन बम, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, राउंड टू हेल, भाई ये लोग इतने बड़े बन चुके हैं, अगर साल में ये एक वीडियो डाले ना इनका फिर भी काम चल जाता है। मेरे ख्याल से इन्होंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है भाई, इसलिए पैसों का नहीं सोचते। बट एनीवेज गाइस, चलो फटाफट से ये वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। जी अंकल, फिल्मफेयर अवार्ड्स ओटीटी, हां जी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ। वाह, हां मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप सबको बोलिएगा वोट करें। हां जी 10th नवंबर लास्ट डेट है। हां अंकल बाद में बात करता हूं। हेलो, हां मामा आवाज नहीं आ रही मुझे, दे बैच। हाँ जी मामा जी, क्या बात है, बड़ी सांस फूल रही है, किसी के ऊपर लेटे हो क्या? क्या बोलूं, या तो दिल में धड़कन है या सीने में फौलाद। चूतिया के औलाद टीटू। मामा जी बात है, नमस्ते मामा जी। मामा मैं था सीढ़ियों में था, सांस फूल रही थी तो सोचा फोन करके पानी मांग लू। क्या मांग लू? पानी पीने का नहीं, झांटों पर डाल के पौधा लगाना। चल पानी ले जा। मामा आप अचानक मुझे बता देते, मैं लेने आ जाता। अरे नहीं भांजे, मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था आने का, मैं तो वहां हाथ धोके मेरे ब्रदर की दुल्हन देख रहा था। अच्छा, हाथ धोके भाभियां देखते हैं? बे पिक्चर का नाम है। पर हाथ धोके क्यों? वो कविता की वजह से उंगलियां चाट ली थी मैंने अपनी, इतना सॉफ्ट और रसीला। अबे ढोकला बनाया था उसने, सॉफ्ट और रसीला। आप यहाँ कैसे? वो भी शाम को। क्यों, मैं नगर पालिका की गाड़ी हूँ जो सिर्फ सुबह आती है, गाना बजाते हुए कचरा निकाल। अरे वो तो अच्छा हुआ टचवुड में घर पे था, वरना भागा भागा थोड़ी आता। मतलब ये बताओ घर में कौन कौन है? हम तीनों। हम तीनों के अलावा दीदी किधर है? रूम में। और कोई है? हाँ हम तीनों। बे भूपिंदर जोगी कोई और है? जिंदा कैसे अब तक? बेटा तू एग्जाम देके पास हुआ या प्रिंसिपल का एमएमएस से तेरे पास? मामा जी सनी पाजी से ज्यादा आईक्यू है मेरा। मैं एक यार भुवन का ना एक चीज मुझे बहुत सॉलिड लगता है, भले ही एक साल में ये सिर्फ दो वीडियो लाता है लेकिन ये पूरे साल में जितने भी मीम्स बनते हैं या कंट्रोवर्सीज होती है ना, ये अपने वीडियो में डेफिनेटली उस पर बात करता है। देखो जैसे भूपिंदर जोगी और कितनी सारी चीजें हैं। आई होप कि ये दीपिका और रणवीर का भी लेके आए, अब देखते लाएगा, मेरे ख्याल से लाना तो चाहिए बिकॉज बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी भाई। प्रिंसिपल का एमएमएस है तेरे पास? मामा जी सनी पाजी से ज्यादा आईक्यू है मेरा। मैं एक साल में कितने महीने 28 दिन के होते हैं? वन प्रथम एक उनो फेब्रुअरी पांचो। ओह ये मतलब बाकी के 11 महीने सिर्फ 27 दिन के होते हैं बराबर? नहीं उनमें भी तो 28 दिन होते हैं। एटीट्यूड तब दिखाओ जब उतने ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाओ। तू रुक ना यार, हमारे अलावा नाइस। पर हुआ क्या बेटा? तेरी माँ का कल फोन आया मुझे रात को, कभी तो और मैं फास्ट कर रहे थे करवा चौथ का, बहुत रो रही थी मैं, घबरा गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। मम्मी रो रही थी भाई? तो सुबह से कमरे से भी बाहर नहीं आई है। क्लेश तो नहीं हो गया अंकल आंटी में? वो तो रोज का ही है। पर रो क्यों रही थी, आपको कुछ बताया क्या? मुझे क्या पता बेटा। हाँ गुल्लू मिल गया। हाँ उसको बिठा के ना, भागने मत दियो, एक से पांच के बीच में चुन। हाँ पांच दांत उखाड़ दे। नहीं, वन। ठीक है एक दिन बाद गर्दन काट दियो। अबे अबे फटाफट पैसे निकलवा, और अगर मना करता है तो ऐसा बिछाड़ा तोड़ कि बैठने का तरीका कैजुअल हो जाए। मम्मी अरे दीदी नहीं F1 रेसिंग देखने नहीं आया हूँ, पहना के घर। सच में भाई ये कार रेसिंग जैसा क्यों रो रही है बे? हाँ बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ दीदी? टीटू तू मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएगा? मैं वहाँ एक कमरे में कोने में पड़ी रहूंगी। तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पेंडिंग केसेस हो क्या दीदी?
पर तुम बिल्कुल आ सकती हो दीदी, वो तुम्हारा ही घर है, कभी तो हमें छत पे सो जाएंगे। दूसरा रूम नहीं है, 1 BHK है। ड्रॉइंग रूम में सोफा नहीं है, इंटीरियर करवा देना, बहुत बड़ी कितना शौक है तो। दीदी तुम बिंदास चलो, लेकिन हुआ क्या? कोई बात नहीं, वहाँ एक कुटिया देख लूंगी। दीदी कविता मेरी बीवी है। अरे कुटिया नहीं, कुटिया। कोई कहीं नहीं जा रहा है, मम्मी बताओ तो सही क्या हुआ? फैमिली मैटर है तो मैं निकलू। मैं अगर हाथ थामने वाला हाथ उठाने लग जाए ना बेटा, तो समझ जाना कि रिश्तों की जड़ें उखड़ चुकी है। बाप रे बाप, मारता है बीवी को, तू क्या सिखाएगा। हाथ थामने वाला हाथ उठा मतलब क्या? खिलौना बना खलनायक, क्या रक्षक बना भक्षक है? जब भी मैट का आदित्य कबीर सिंह बन गया। अबे इस वाली बागवान के विलन खुद अमित जी है मैच। इससे पहले कि मैं दम शराड़ का शराड़ निकाल के तेरी गांड से दम निकाल दूं, सीधे सीधे बता क्या है। राधे भैया ने निर्जरा पे हाथ उठा दिया। कौन राधे? पापा। अगर जीजा जी राधे है तो इसका मतलब निर्जरा दीदी दीदी दीदी। अबे हमें पूरा सीरियल बना दिया भाई। पापा ने मम्मी पे हाथ उठाया। जैसे दिखते अंकल वैसे हैं नहीं बैंच। पर ऐसी क्या बात हो गई यार कि हाथ उठाना पड़ा? हमारे समाज में ऐसे होता है, शादी से पहले मुलाकात है और शादी के बाद मुक्का लाते हैं। मुक्का लाते हैं। कौन लगा बबलू को हैं? एक लड़के ने स्कूल में दीदी को गंजी चुड़ैल बोल दिया था। फिर क्या पता आज तक उसके मिसिंग पोस्टर पे कुत्ते मूत के जाते हैं। उसने तो सिर्फ जुबान चलाई थी, लेकिन जीजा जी ने हाथ उठा दिया। अरे उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बहन पे हाथ उठाने की? ऐसे ही ऐसे हाथ उठा दिया। मैं भूल गया वो मेरा जीजा है, लोहे का जवाब हथौड़े से। पापा है वो। अरे रिश्तेदारी मेरे लौड़े से। अरे यार ये समीर फद्दी का भाई, मैं उसकी वेट कर रहा था। जवाब उन्होंने जो भी किया है वो माफी के काबिल ही नहीं है। जिस घर में सम्मान नहीं बहन का, उस लंका का वक्त आ जाता है दहन का। एक 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 बार आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्या पता कोई मजबूरी रही होगी। अरे मजबूरी में लोग भीख मांगते हैं, वादों से मुकर जाते हैं, फरहाद सामजी की फिल्में कर लेते हैं, लेकिन अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाते। पुलिस कंप्लेंट कर दे अंकल की। मैं पुलिस तो आएगी पर उसे नहीं, मुझे लेने जा। आरी लेके आ। यस सर। अबे ओ हवलदार रुक जा। आरी क्यों? बेटा हाथ काटने के लिए। वो हाथ कैसे धोएंगे? शोले का ठाकुर बिना गांठ धोए जिंदा था ना? सर तू बता, हाथ काटू की दाया निप्पल? निप्पल नहीं, निप्पल कटने पे ऐसा लगेगा अंकल की छाती आंख मार रही है। ठीक है फिर तेरे बाप को अपने हाथों से हाथ धोना पड़ेगा बेटा। ओहो स्वच्छता की बातें हो रही। अरे टीटू तू कब आया? होश में तो अब जाके आया हूँ। पापा कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बेटा पहले मार्केट से वो मच्छर मारने की दवाई ले आ, पूरे घर में इतने मच्छर हो गए, मेरा हाथ देख पूरे काट लिए। मेरे पास एक उपाय है, मच्छर के साथ साथ हाथ खत्म, चैप्टर क्लोज। मामा। बेटा क्या सिखाया था मैंने? अगर किसी के साथ गलत हो तो कंडेम, और अगर खुद गलती नहीं कर रही तो कंडम। बस किसके साथ गलत हुआ? एंजेलो मैथ्यूज। क्या ये जो शराफत का मफलर उड़ा हुआ है ना, ये उतर गया है। मतलब छी छी छी, ऐसा मासूम चेहरा है कि छोटे बच्चे गोद ले लें इसको, और उसके पीछे ऐसा शैतान। क्या बोल रहा है तू? मैंने आज तक मुट्ठी खोली नहीं है, मारिए बस, मैं बता रहा हूँ खोल लूंगा। कुत्ता नट गया क्या इसको? जब मेरी बहन के साथ फेरे ले रहे थे तब तुमने क्या बोला था कि कब खत्म होंगे? ये नहीं बोला था कि तुम्हारी रक्षा करूंगा? तूने कब बोला मुझे ऐसा? अरे तुमने नहीं बोला था दीदी को कि तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा? हाँ तो उसी औरत पे हाथ उठा दो। बहुत गलत किया आपने, मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता था। बे कॉन्स्टिपेशन है ये। बेटा मैं इंस्पेक्टर ही हूँ। दीदी को बुला। हाँ पेश किया जाए। शाही पकवान नहीं है मेरी दीदी जो पेश करें। जानकी दीदी, मम्मी, आंटी, तीन लोगों ने बुलाया ना। मम्मी पूरी बात बताओ। कल जब मैं बाहर दिवाली की रंगोली बना रही थी तो इन्होंने मुझे बोला कि हलवा बना दो। किचन में आई तो अनुपमा ने बोला सूजी खत्म हो गई है, तो फिर साइकिल में बैठ के दर्जी के पास गई सूजी लेने। वहां उर्फी जावेद और मैंने लंबे लंबे लहंगे सिलवाए। वो लहंगा पहनकर मैं तितली के पीछे पीछे भागी, और फिर मुझे पार्क में रणवीर और दीपिका दिखे। दोनों बहस कर रहे थे। आए रणवीर और दीपिका, मैंने कहा था ये यूज करेगा। तो मैंने वहीं बैठ के कॉफी पी। फिर मैं वहां से श्रीलंका की टीम के पास गई क्योंकि मुझे लगा सूजी वहीं मिलेगी। और जब मैं स्टेशन पे उतरी तो फिर आमिर खान क्रिकेट खेलता दिखा, उसने ऐसा शॉट मारा कि मेरे हाथ से सूजी गिर गई। और जब मैं घर बिना सूजी के आई तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ? क्या पिछले हफ्ते छत से गिर गई थी सपने में, सारा दिन लंगड़ी कुतिया की तरह चल रही थी।
दीदी जीजा जी ने तुम्हें सपने में थप्पड़ मारा। हे प्रभु, हे प्रभु। मतलब पापा ने आप पे हाथ नहीं उठाया? बेटा मैं सिर्फ परफ्यूम छिड़कने के लिए हाथ उठाता हूँ, और जो मर्द अपनी बीवियों को मारते हैं वो पुरुष होते ही नहीं। जिसको सांप समझे वो तो। मेरे को लगा कुछ और डायलॉग मारेगा कि हाथ सिर्फ परफ्यूम लगाने के लिए उठाता हूँ, टांगे और कुछ मारने के लिए उठाता हूँ। टांगे उठाना, अरे यार हद है, मेरा भी दिमाग कहीं और ही चला जाता है भुवन भाई। के लिए हाथ उठाता हूँ और जो मर्द अपनी बीवियों को मारते हैं वो पुरुष होते ही नहीं। जिसको सांप समझे वो तो टंकी पे लटकी पाइप ही। नहीं मेरे को तो फुल भरोसा था अपने जीजा जी पे। जीजू। अच्छा नहीं मामा जी, आप ही नहीं तो बोला था हाथ काट दोगे। बौखला गया है नटखट, इन्होंने नहीं बोला था निप्पल काट। अरे मैंने कब बोला, कान का इलाज क्या बेटा, वरना मैं लेकर चलता हूँ तेरे को। नहीं बोला, नहीं बोला। सॉरी पापा, हमने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन के आपको गलत समझा। बेटा मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों पे कि तुम लोगों ने अपराध को अपराध समझा और रिश्ते को अपराध के बीच में नहीं आने दिया। सॉरी। मार्केट से जो लाने को बोला था ले आए? हाँ हाँ, इसकी फिल्म फेयर नॉमिनेशन के लिए खूब सारी मिठाइयाँ और तुम्हारे लिए बिंदी। काजल लाना भूल गए? उसके बिना भी यू लुक सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ। अबे जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ, यार ये सारे मीम्स ले आता है सच में एक ही वीडियो में। उसके बिना भी यू लुक सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ। बाओ। ओके। अखियां ना ले हाय की कह गई। पूरा ओल्ड स्टाइल बीवी की वाइंस का वीडियो बनाया है जब से मैं इसको देखना शुरू किया था, आई थिंक 2017 या 16 से। भाई सबसे पहला यूट्यूबर जो मैंने देखा था उस टाइम पे वो भुवन ही है। उसके बाद मैंने फिर कैरी, हर्ष बेनीवाल और दूसरे यूट्यूबर्स को मतलब एक्सप्लोर किया, इवन आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी को मैंने ना यूट्यूब से पहले रील्स पे किया था भाई, क्योंकि वो फेसबुक और रील्स पे ज्यादा डालता था। तो फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर्स जो भी हो भाई, जितने भी आज के यूट्यूबर्स है ना, सब इनसे ही इंस्पायर्ड है। और अगर आप प्लीज मुझे कॉमेंट में बता देना कि आप तकेशी'स कासल देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो कैसा लगा, नहीं देख रहे हो तो क्यों नहीं देख रहे हो, ये आप मुझे बताना। तो पहले तो इस वीडियो को 5 में से 5 स्टार देता हूँ, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग था। और यार समीर फुद्दी नहीं आया यार, सच में उसका वेट कर रहा था। मिस्टर होला भी नहीं आया, मैंने अपने इंट्रो में होला बोल दिया, बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में वो लेके आ जाएगा। तो गाइस अपना ओपिनियन प्लीज मुझे बता देना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। जल्दी मिलता हूं मैं आपको, बाय बाय।